साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। किसानों से नफरत करने वाले इंडी गठबंधन ने चौधरी चरण सिंह जी को भी उचित सम्मान नहीं दिया। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी, तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई, भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यहां का एक नागरिक कभी भी कांग्रेस सपा जैसे उनके साथियों को कभी भी माफ नहीं कर सकते। साथियों, चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। यहां तो इतनी बड़ी अनाज मंडी है, यहां की गुड़ की मंडी सारे देश में जानी जाती है। आप भूले नहीं होंगे कि कैसे आप गन्ना किसानों को परेशान किया गया। गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपए बकाया होना सामान्य बात हो गई थी। चीनी मिलों को धड़ाधड़ बंद किया जा रहा था, कोड़ियों के भाव बेचा जाता था। मोदी ने किसानों के साथ हो रही ये सारी हेराफेरी बंद करा दी है। साथियों, हम गन्ने की खेती को चीनी और गुड़ तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम देश की हर गन्ना बेल्ट को देश की ऊर्जा बेल्ट भी बनाना चाहते। गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले, इसके लिए आज देश भर में काम हो रहा है। 10 वर्ष पहले सिर्फ 40 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 500 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल की खरीद बढ़ने से 10 साल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले हैं।